बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इन दिस लेक्चर सीरीज़ ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन। अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन में सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन और मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन के बारे हम डिस्कस करेंगे। सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, एन इकोनॉमिक एजेंट चूज ऑप्टिमल, यानी बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ अ फंक्शन एट पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसमें x इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। ऑप्टिमाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग बेस्ट वैल्यू या बेस्ट मेथड फ्राम अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी ये ऑप्टिमाइजेशन जो है ये बेस्ट पॉसिबल वैल्यू चूज करने का नाम है। इसमें एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होगा, एक सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट होगा। तो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है उसको अप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में लोकल मैक्सिमा है। लोकल मैक्सिमा इम्प्लाइज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इन द इमीडिएट नेबरहुड विच इज शॉन इन फिगर एट पॉइंट ए। ये आपके पास कोई फंक्शन जो है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की, यानी जिसको हम लोकल मैक्सिमा कह सकते हैं, वो इस पॉइंट पे आकर हो रहा है पॉइंट ए पे, ठीक है, जिस पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, यानी स्लोप जो है वो फंक्शन की ज़ीरो है। इसी तरह से लोकल मिनिमा इम्प्लाइज मिनिमम वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इन द इमीडिएट नेबरहुड विच इज शॉन इन फिगर एट पॉइंट बी। ये देखें, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो मिनिमम है पॉइंट बी पे। पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दो पॉइंट्स पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू ज़ीरो है, यानी स्लोप जो है वो ज़ीरो है। यहाँ देखें अगर कि पहले फंक्शन की वैल्यू जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद इस पॉइंट पे जाके फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो गया, स्लोप ज़ीरो हो गया। इसके बाद दोबारा से फंक्शन की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, इस पॉइंट पे जाके दोबारा से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो वो पॉइंट जहाँ पे एक साइड पे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ और दूसरी साइड पे डिक्रीज़ हो रही हो, वो या आपका लोकल मिनिमा हो सकता है और या लोकल मैक्सिमा हो सकता है। जैसे यहाँ देखें, पहले इंक्रीज़ हो रही है, उसके बाद डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ अगर देखें तो डिक्रीज़ हो रही है, इस पॉइंट पे आके दोबारा से ये इंक्रीज़ हो रही है। तो ये पॉइंट जो है वो लोकल मिनिमा और इस पॉइंट को हम लोकल मैक्सिमा कहेंगे। जैसा कि हमें पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब होता है फंक्शन की किसी पॉइंट पे स्लोप चेक करना, और सेकंड डेरिवेटिव का मतलब होता है कनकेविटी चेक करना कि फंक्शन कनकेव अप है या कनकेव डाउन है। फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एंड इक्वेट टू ज़ीरो, यानी हम फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और फिर उसे हम ज़ीरो को इक्वल जो है वो सब्सिट्यूट कर लेंगे। ऐसा करने से हमें फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल सब्सिट्यूट करने से हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जिस पे फंक्शन जो है वो रिलेटिव मिनिमा या रिलेटिव मैक्सिमा जो है वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे यानी उसकी स्लोप जो है वो ज़ीरो हो रही है। तो ये फंक्शन है आपके पास वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमने क्या करना है, ज़ीरो के इक्वल सब्सिट्यूट करना है। अब ये देखना है हमें इफ़ साइन चेंज फ्राम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर स्लोप का साइन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड में चेंज हो रहा है एज वी मूव फ्राम लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो फिर आपको पॉइंट कौन सा मिलेगा, रिलेटिव मैक्सिमा। जैसा कि इस फिगर में देखें, ये आपके पास एक फंक्शन था, ये जो ब्लू नज़र आ रहा है, ठीक है,
ये वो पॉइंट है जिस पे फंक्शन की स्लोप जो है वो ज़ीरो है, ठीक है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। अब इस साइड पे देखें तो स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, इस साइड पे देखें तो स्लोप क्या है, नेगेटिव है। जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं तो स्लोप पॉजिटिव है और यहाँ जाके स्लोप ज़ीरो हो गया, उसके बाद दोबारा से स्लोप जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो गई है। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने लिखा कि अगर साइन जो है वो चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, जब आप लेफ़्ट से राइट मूव करें तो जो आपको पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट होगा रिलेटिव मैक्सिमा। तो ये पॉइंट आपको रिलेटिव मैक्सिमा मिल रहा है, क्यों, क्योंकि स्लोप का जो साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड जो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ हमने ये वही लिखा हुआ है क्योंकि किसी पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव से मुराद है कि उस पॉइंट पे फंक्शन की स्लोप चेक करना, ठीक है। स्लोप असल में फर्स्ट डेरिवेटिव को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो हमने लिखा फिर स्लोप कैन बी डिटरमिन बाय ड्राइंग टेंजेंट एट दैट पॉइंट एंड स्लोप आल्सो रिप्रेजेंट फर्स्ट डेरिवेटिव। इफ़ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज़ पॉजिटिव, जैसा कि यहाँ पे पॉजिटिव है, देन डिपेंडेंट वेरिएबल इज अराइजिंग विद द इंक्रीज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल भी आपका इंक्रीज होगा। मसलन यहाँ पे देखें, अगर आपका यहाँ पे एक्स जो है वो 0.5 है तो वाई फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पे 5 है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से यहाँ मूव किया आपकी वैल्यू यहाँ पे 3 हो सकती है एक्स की, लेकिन इसके बदले जो आपको वाई मिल रहा है वो भी आपको पहले की निस्बत बेहतर मिल रहा है, ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज़ पॉजिटिव तो फिर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी जैसे जैसे आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करेगी। उसके बाद है इफ़ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज़ ज़ीरो, अगर टेंजेंट की स्लोप ज़ीरो हो तो इसका मतलब क्या है, देन डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ मैक्सिमम और मिनिमम। जैसा कि इस पॉइंट पर देखें जो टेंजेंट है उसकी स्लोप क्या है, ज़ीरो है। ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट मीन टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो फंक्शन को सिंगल पॉइंट टच करते हुए गुजर जाए। तो ये टेंजेंट है इस फंक्शन पे और इस टेंजेंट की स्लोप जो है वो ज़ीरो है। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट जो है ये आपको या तो रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा प्रोवाइड करेगा, लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है क्योंकि ये तमाम इस फंक्शन की वैल्यूज़ में से सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है, सबसे हायर वैल्यू है, इसलिए इसको हम रिलेटिव मैक्सिमा कहेंगे। इसी तरह से इफ़ साइन चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव देन इट इज़ मिनिमा। ये देखें ये स्लोप जो है ये पहले नेगेटिव थी, इसके बाद स्लोप ज़ीरो हुई और दोबारा से ये पॉजिटिव होना शुरू होगी, तो फिर इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव मिनिमा। यानी इफ़ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज़ नेगेटिव देन डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ इंक्रीज विद डिक्रीज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका डिक्रीज करेगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज करेगा, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को उलट होंगे। जबकि रिलेटिव मैक्सिमा में था कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो डिपेंडेंट भी इंक्रीज करेगा, इंडिपेंडेंट डिक्रीज कर रहा है तो डिपेंडेंट भी डिक्रीज करेगा, वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक अगर इंक्रीज कर रहा है वेरिएबल तो दूसरा डिक्रीज करेगा, ठीक है। उसके बाद एंड डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे जैसे ये देखें ये बढ़ रहा है, ठीक है, तो वैसे वैसे इसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है। कब, जब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नेगेटिव, हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं इतने पोर्शन की। तो
दोबारा से इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज जीरो देन डिपेंडेंट वेरिएबल इज मैक्सिमम आर मिनिमम। यहाँ पे देखें स्लोप जो है वो जीरो हो रही है, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू या आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम या मिनिमम। लेकिन फंक्शन को देखते हुए आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो मिनिमम है, इसलिए इसको हम लोकल मिनिमा कहेंगे। एक एग्जांपल हमने काउंट की, इस पे हम रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा जो है वो फाइंड करेंगे। फंक्शन है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x+15। करना हमें क्या है, हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका फाइंड किया, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है तो इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई प्राइम एक्स हमें मिला 2x-10। अब रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हमें क्या करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल सब्सिट्यूट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स को हमने जीरो रख लिया, डी वाई बाई डी एक्स तो हमें मिला 2x-10, तो 2x-10 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू 5। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू है 5, यानी एक्स इक्वल टू 5 होगा तो आपके फंक्शन की जो डेरिवेटिव की स्लोप है वो ज़ीरो होगी। ठीक है, एक्स इक्वल टू 5 पे आपकी स्लोप जो है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। ये हमने इस फंक्शन को रिप्रेजेंट किया ग्राफिकली, एक्स स्क्वायर माइनस 10x+15 को, ये इसका ग्राफ बन रहा है। यहाँ देखें ये पहले फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट पे आके, क्योंकि यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया कि एक्स इक्वल टू 5 पे फंक्शन की स्लोप जो है वो ज़ीरो, तो यहाँ देखें ये यहाँ पे इसकी स्लोप ज़ीरो हो रही है, तो ये एक्स इक्वल टू 5 है, ये 4 है, ये 6 है, तो यहाँ इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही थी और यहाँ से दोबारा से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी इस पॉइंट से आगे। तो एक्स इक्वल टू 5 ये वो पॉइंट है जहाँ पे स्लोप जो है वो ज़ीरो है। अब इसके लेफ़्ट और राइट अगर हम चेक करें, मसलन इससे लेफ़्ट ये 5 है, इससे लेफ़्ट आपके पास 4 है और राइट साइड पे 6 है, इन दोनों पे हम फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। एक्स इक्वल टू 4 तो डी वाई बाई डी एक्स आपको क्या मिल रहा है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स 2x-10 है, इसमें आपने क्या करना है, एक्स को 4 से रिप्लेस कर देना है, 2 × 4-10 -2। डेरिवेटिव की वैल्यू यानी स्लोप की वैल्यू क्या मिल रही है, स्लोप आपको क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। जब आपने 6 सब्सिट्यूट किया तो अब आपको स्लोप क्या मिल रही है, पॉजिटिव। तो ये हम पहले देख चुके हैं कि अगर आप मूव करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइन ऑफ डेरिवेटिव चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। जब आपने लेफ्ट साइड वाला नंबर 4 सब्सिट्यूट किया तो जो स्लोप है वो नेगेटिव है, जब राइट साइड वाला 6 सब्सिट्यूट किया तो स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। तो आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो स्लोप जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जो है वो चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या कि ये पॉइंट जो है ये आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा, रिलेटिव मिनिमा, ये हम पीछे भी देख चुके हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल काउंट करते हैं, मसलन ये y इक्वल टू 15+10x-x2। इसमें भी आपने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा हमें फाइंड करना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल सब्सिट्यूट करना है और हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे स्लोप की वैल्यू जो है वो क्या है, ज़ीरो है। तो दोबारा से आपको पॉइंट x इक्वल टू 5 ही मिला है जिस पे स्लोप जो है वो ज़ीरो आ रही है। इस फंक्शन को जब हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया 15+10x-x2 को, तो इसका ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। इसमें देखें फंक्शन पहले इंक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट पे जाके स्लोप की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, दोबारा से फंक्शन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो ये पॉइंट अगेन आपके पास एक्स इक्वल टू 5 ही है ये वाला, ठीक है। अब उसी तरह से इसके लेफ्ट और राइट पॉइंट जो है उन पर वैल्यूज चेक करते हैं, लेफ्ट साइड पर 4 है, राइट साइड पर 6 है, तो 4 सब्सिट्यूट किया तो हमें पॉजिटिव 2 वैल्यू मिली, 6 सब्सिट्यूट करने से नेगेटिव 2 मिली। अब हम लेफ़्ट से राइट ही मूव कर रहे हैं लेकिन स्लोप की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड कन्वर्ट हो रही है। तो जब इस तरह से हो तो जो आपको पॉइंट मिलता है जिस पे फंक्शन की वैल्यू जो है यानी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो होती है, उस पॉइंट को हम रिलेटिव मैक्सिमा कहते हैं। तो ये आपको मिलेगा फिर रिलेटिव मैक्सिमा। ओके okay?
अब देखें, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो हमने चेक कर लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमें रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा के बारे पता चलता है। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है, इसके लिए हमने सिंबल लिखे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव के लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हम डी वाई बाई डी एक्स या एफ प्राइम ऑफ एक्स लिख सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव के लिए डी स्केयर वाई बाई डी एक्स के लिए या एफ डबल प्राइम एक्स लिखते हैं। फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव दोनों आपने फाइंड करने हैं किसी भी फंक्शन के लिए। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसकी वैल्यू किसी पॉइंट पे पॉजिटिव है, यानी स्लोप जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, और सेकंड डेरिवेटिव भी उसी पॉइंट पे पॉजिटिव है, तो फिर जो ग्राफ है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपका एक्स बढ़ेगा, आपका जो फंक्शन है यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज करेगी। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करती है तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। सेकंड डेरिवेटिव चूंकि पॉजिटिव है, तो फिर ये देखें ये ग्राफ किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। इस पे कनकेविटी को चेक करें तो ये कनकेव अप है। ये देखें ये ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसको आप कहेंगे कनकेव अप, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसी तरह से अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव है, तो फिर हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कनकेव डोन है, ये देखें ये अप और ये कनकेव डोन है। मतलब क्या है, दोनों में फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो तो पॉजिटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव होने से मुराद ये है कि जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपका एक्सीड करेगा, इंक्रीज करेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज करेगा। इसमें भी देख लें, जैसे जैसे एक्स आपका बढ़ रहा है, वाई जो है वो भी आपका बढ़ रहा है। इसमें भी देखें जैसे जैसे एक्स आपका बढ़ रहा है, वाई जो है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव था, डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वाई भी बढ़ेगा, लेकिन अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये कनकेव अप होगा, अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो ये कनकेव डाउन होगा। इसी तरह से अगर डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आपका नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज करेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज करेगा। अगर इंडिपेंडेंट डिक्रीज करता है तो इंडिपेंडेंट जो है वो इंक्रीज करता है। तो इन दोनों में देख लें, दोनों में चूंकि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो आपका नेगेटिव है, तो दोनों में डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज करेगी एक्स इंक्रीज करने से। ये देखें जैसे जैसे एक्स आगे जा रहा है, वाई जो है वो डाउन हो रहा है। इसी तरह से इसमें देख लें जैसे जैसे एक्स आगे जा रहा है, वाई की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या है, नेगेटिव है। अब सेकंड डेरिवेटिव से हमें कनकेविटी के बारे में पता चलना है। यहाँ पे देखें अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो ये कनकेव डोन है, ठीक है, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये कनकेव अप है। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव से हमें फंक्शन की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का पता चलेगा और सेकंड डेरिवेटिव से हमें फंक्शन की कनकेविटी का पता चलेगा, या फर्स्ट डेरिवेटिव से हम क्या करते हैं, हम फंक्शन की स्लोप फाइंड करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए दो कंडीशन हुआ करेंगी। पहले नंबर पे क्या कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करके उसको जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो कि नेसेसरी कंडीशन होगी। उसके बाद हम देखेंगे अगर सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन और इक्वल टू जीरो है, जो कि ये भी नेसेसरी कंडीशन है, तो आपको जो पॉइंट मिलेगा वो मैक्सिमम पॉइंट होगा। इसी तरह से अगर डी वाई बाई डी एक्स को आपने जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया है तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। उस पॉइंट पे अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो वो पॉइंट आपका मिनिमम पॉइंट होगा। ठीक है, ये चेक करते हैं एग्जाम्पल में। ये एग्जाम्पल हमने ली वाई इक्वल टू एक्स क्यू माइनस टेन एक्स प्लस फाइव। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया तो थ्री एक्स के माइनस टेन मिला। फर्स्ट कंडीशन जो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए वो क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स को हमने जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करना होता है, तो इसको जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया तो
थ्री एक्स केयर माइनस टेन इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स केयर इक्वल टू टेन, एक्स केयर इक्वल टू टेन बाई थ्री या 3.33 x, यानी मिला आपको प्लस माइनस अंडर रूट 3.33। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, वैसे तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव में भी चेक कर सकते हैं मैक्सिमा और मिनिमा को, कि ये जो आपको पॉइंट मिले हैं जिन पे स्लोप आपकी क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है फंक्शन की, उन पॉइंट्स पे हम क्या करते हैं लेफ्ट और राइट चेक कर लेते हैं स्लोप, और फिर उससे हम बता लेते हैं कि ये पॉइंट जो है वो रिलेटिव मैक्सिमा है या रिलेटिव मिनिमा है। लेकिन चूँकि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो इससे हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद ही बताएंगे कि ये पॉइंट जो है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3.33 ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो वो हम देख चुके हैं कि अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव हो तो फिर मैक्सिमम पॉइंट होता है, अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव हो तो फिर मिनिमम पॉइंट होता है। तो अब हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया तो वो हमें मिला 6x। अब हमें ये सब्सिट्यूट करना है x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3.33। पहले हम पॉजिटिव वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेते हैं अंडर रूट 3.33, तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इक्वल टू वाई प्राइम, यानी वाई डबल प्राइम में हमने इसको सब्सिट्यूट करना है, तो वो क्योंकि 6x मिला हुआ है तो 6x की जगह हमने इसको सब्सिट्यूट किया, तो ये चूँकि ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो आपको सेकंड डेरिवेटिव जो है वाई डबल प्राइम की वैल्यू जो है वो क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। जब ये पॉजिटिव मिल रही हो तो फिर आपको पता है कि जो पॉइंट मिलता है वो रिलेटिव मिनिमा होता है। इसी तरह से अब हम नेगेटिव पॉइंट सब्सिट्यूट करते हैं, तो वाई डबल प्राइम जो है इसको सब्सिट्यूट करने से ये देखें आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, नेगेटिव। ठीक है, जब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव मिले तो फिर आपको क्या मिल रहा होता है, रिलेटिव मैक्सिमा पॉइंट मिल रहा होता है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप देखें, अटेन मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी एट माइनस अंडर रूट 3.33 पे, और मिनिमम वैल्यू मिलेगी आपको एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3.33 पे। अब अंडर रूट 3.33 कितनी वैल्यू बनती है ये आपने देखनी है, ये 1.82 होती है, तो ये देखें ये 2 है तो यहाँ पे 1.82 होगी वैल्यू। ठीक है, तो जब x इक्वल टू अंडर रूट 3.33 यानी 1.82 है तो आप देखें आपको कौन सी वैल्यू मिल रही है, रिलेटिव मिनिमा। इसी तरह से जब x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3.33 यानी माइनस 1.82, ये माइनस 2 है ना, तो इस साइड पे माइनस 1.82 होगी, तो इस पे देखें आपको कौन सी वैल्यू मिल रही है, रिलेटिव मैक्सिमा। इस तरह से हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करके मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो कि हम पहले सिंप्लेक्स से या ग्राफिकल या अलजेब्रिक मेथड से हम बेस्ट पॉसिबल वैल्यू जिसको हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहा हुआ था वो हम फाइंड करते थे, वो आपको मैक्सिमम भी मिलती थी और मिनिमम भी मिलती थी, वो डिपेंड करती थी ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे। ठीक है, तो यहाँ भी आपने फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करके आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यानी बेस्ट पॉसिबल वैल्यू फाइंड करना सीख लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, सो यू डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।